हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 19 जून 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पीवीआर में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में 3.19% का नेगेटिव मूवमेंट देखने में, 1450.25 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को हमें स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें जरूर वॉल्यूम देखने वाला। कैंडल मीडियम टू लार्ज साइज के लिए दोनों के साइड में बारीक बारीक पिक हमें देखने मिल रहे हैं। आरएसआई की बात करें तो 50 to 51 ईएन के एकदम ही न्यूट्रल सा इशारा देता है, यानी कि दोनों साइड का इशारा दे रहा है। इसके वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मूव के बाद पॉजिटिव साइड का एक्सपेक्टेड स्टॉक में डाउनसाइड जो 1424 तक आते हुए देखने में से, वहां से एक रिवर्स हमें देखने में से, रिवर्स में स्टॉक आएगा अराउंड 1460 के आसपास, उसको भी क्रॉस कर देगा तो अपसाइड मूव जो हमें इजिली 1500 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक कभी भी आपको जो है अराउंड यहाँ पे 1476 के ऊपर अगर दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5 to 10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10 to 15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा स्टॉक को आप आराम से गिरने दे। स्टॉक अभी भी आपको जो अराउंड 1365 के आसपास आते हुए देखने जरूर बाइंग करें, लेकिन लॉन्ग टर्म का लेवल है तो 100% कैपिटल आपको नहीं डालना है, 20 to 25% तक आप कैपिटल डाले, बाकी कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10 to 20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं मंडे के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन यहाँ पे जरूर मार्क है, लेकिन इस ऊपर के रेंज में जो हमने स्टॉक का कोई एनालाइज बीच में नहीं लाया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी डेटा बना उसको मैं मार्क करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है, जूम करके मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1450.95 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1443 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1455 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आया बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसका आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जो और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता है 1430 का, उसके बाद क्या था 1416 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या अगला रेजिस्टेंस आता है 1470 का, उसके बाद क्या था 1482 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, 1455 से लेकर 1470 की रेंज में हमारी क्लोजिंग की भी एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।